बेटा आज काम पर नहीं जा रही? नहीं अम्मी, अभी थोड़ा टाइम है तो अच्छा मौसम हो रहा है, मैं सोचा आपके साथ थोड़ी देर बैठ के बातें करूं। चलो चलो। अम्मी आप अब्बू के साथ ऐसे ही मौसम में पार्क जाया करती थी ना, अब्बू कैसे थे? बिल्कुल तुम्हारी तरह, समझदारी वाली मुस्कान के साथ। आप तो उनको बहुत मिस करती होंगी, है ना? ऐसे बेटा ये सब बातें ना अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर था कि जब तक वो थे ना तो ऐसा लगता था दुनिया की सारी खुशियां समेट के वो इस घर में ले आए, और उनके जाने के बाद तो जैसे सारी खुशियां ही मुझसे रूठ गई हैं। आपने फिर सलीम अब्बा से क्यों शादी की? बेटा मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जिंदगी की सख्त तपिश में तुम्हें बाप के साई की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं साया समझ रही हूँ वो तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। ऐसे क्या तुम्हारे सलीम अब्बू ने उन लोगों से बहुत बदतमीजी की थी? कौन थे वो लोग? उन्हें एक बहुत अच्छी फैमिली थी, इतने अच्छे लोग थे, इतना खलूस, इतना प्यार दिया उन्होंने। लड़का है ना वो हमारा कस्टमर है, उसके पास मेरी पेमेंट स्लिप आ गई तो मैं गई जाके लेने, तो उन्होंने मुझे घर पे मेहमान बना लिया और वहीं बिठा दिया। पता है वो लड़का क्या कर रहा था? अपनी दादी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, और वो भी ऐसे कि जैसे उसकी गर्लफ्रेंड हो। और क्या इंतजाम किया था अम्मी, केक था, फूल थे, मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ 3 लोगों की फैमिली है उनकी, लेकिन ऐसे लगता है कि किसी भी चीज की कमी नहीं। इतना प्यार मैंने नहीं देखा किसी फैमिली में, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं वहां से उठूं। अच्छा वो लड़का क्या करता है? पता नहीं, मम्मी मैं वहां बिन बुलाई मेहमान थी, अब मैं इंटरव्यू तो नहीं ले सकती थी ना उसका। उनकी भी छोटी सी फैमिली है, लेकिन 2-3 लोग तो हैं, मेरे पास तो सिर्फ आप ही हैं, इसलिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। हाँ बेटा जीती रहो। अच्छा मैं जाऊं, जो लगता है अब देर हो। चल ठीक है। या अल्लाह मेरी बेटी को अगर उस घर से इतनी खुशियां मिल रही हैं तो या अल्लाह उसके नसीब में यही घर लिखते।